तो अभी फाइनली हम लोग दिल्ली में हैं और ये घर वापसी का रास्ता है। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हम लोग अब बहुत थक चुके, बोर हो चुके। 2 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे कि टाइम कट जाए, और 2 दिन इस तरह से वेट किए कि ट्रेन का टिकट मिला नहीं, और हम लोग आए थे तो हम लोग कटवाए नहीं थे क्योंकि टिकट अवेलेबल था ही नहीं, और आने का टाइम मिल गया जैसे तैसे तो चले आए थे, क्योंकि बहुत ही मन था माता रानी से, माता रानी का दर्शन करना, तो इसीलिए चले तो आए थे। और जाने का टाइम जो इमरजेंसी टिकट कटा था उसमें क्या हुआ कि वो वेटिंग में रहते रहते फेल हो गया लास्ट में। रात को तो बस से आए, जो स्टोरी लगाए थे हम, रात को हम लोग बस से आए। बस बहुत ही अच्छा था, बहुत मस्त। और अभी हम लोग आने सुबह में यहाँ पर शायद हम लोग 6 बजे यहाँ पे इस होटल में आए, 5:30 बजे या 5:30 बजे हम लोग का बस उतार दिया था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा देर सोए 3-4 घंटा, क्योंकि लग रहा था बॉडी झूल रहा है पूरा बस में, जिस तरह से झूला झूल रहा था तो पूरा हालत ख़राब था। और अभी तो भूख लग चुका है, 1 बज रहा है, नहा वहा कर पूरा रेडी हो चुके हैं। और अभी यहाँ से हम लोग और वेट नहीं कर सकते क्योंकि टिकट है नहीं, और बाकी का हमारे साथ जितने भी आए थे वो लोग को ट्रेन से जाना, और हम लोग को अब नहीं रह सकते, बाबू को काम ज्वाइन करना है, तो इसीलिए हम लोग निकल जा रहे हैं फ्लाइट से। और आज हम लोग का फ्लाइट का टिकट है रात का 9 बजे से, तो आज रात तक हम लोग घर ढूंढ जाएंगे, सुकून मिल रहा है। पर अभी देखिए सबसे बड़ा झमेला तो हमारा लगेज एक्स्ट्रा वेट का है, क्योंकि जितना वेट अलाउड कर रहा उतना वेट कर रहा तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा भी हुआ तो बस चार्जेस ज़्यादा है। स्टार्टिंग चार्जेस है 1300, तो 1300 से चार्जेस स्टार्ट है। अगर 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा रहा है तो 1300 देना पड़ेगा, तो अभी उसका सेटल करना होगा, क्योंकि कुछ कुछ अलग अलग है। हैंड कैरी करने वाला वो 7 किलो तक ले सकते हैं, और ऐसे तीनों पे 15 किलो करके मिला है 45 किलो। अभी यहाँ से गिफ्ट का शॉपिंग हुआ है, उसका उसका वजन हो चुका है। बहुत सारा चीज़ शॉपिंग, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लिए। प्रशांत का तो एक बैग ही, वो बैग पूरा जो जैकेट देख रहे मेरा वो नीचे वाला बैग, वो पूरा का पूरा प्रसाद से भरा हुआ है। तो सबके लिए प्रसाद लेना पड़ता है, पड़ेगा, क्योंकि आए हैं तो सबके लिए ले जाना ही पड़ेगा। उससे उसका वजन तो अलग ही है, वो तो 15 किलो का ऊपर का ही लग रहा है मुझे उठाने से, क्योंकि फुल लोडेड है, उसमें बंद नहीं होना चाहिए, उसको तो पकड़ पकड़ के बंद किया है। फिलहाल देखिए अभी तो शॉपिंग भी बहुत सारा हो चुका है ऐसे गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट टाइप में, कि चलो सबके लिए कुछ कुछ लेते जाए। फिलहाल भूख लगा हुआ है, बाबू नीचे वेट कर रहे हैं, मायरा हम नहा के रेडी, बाबू भी नहा के रेडी। और इसके लिए दुपट्टा नहीं मिल रहा है, कौन सा ट्रॉली में रखे पता नहीं। एक ट्रॉली खोले, धोया हुआ कपड़ा था, बचा हुआ है अभी भी मेरा एक जोड़ा बचा हुआ और भी, तो हम धोया हुआ पहन लिए। अमायरा को नहीं धोया हुआ पहना है क्योंकि ठंड लगेगा, तो इसीलिए उसका लास्ट फुल बचा हुआ है यही फुल पैंट फुल टी शर्ट, तो इसको हम वापस वही पहना दिए, क्योंकि बाकी का जो भी वो शॉर्ट्स है तो ठंड लगेगा, तो हम रिक्स नहीं ले सकते। जाते जाते 2 घंटा 5 मिनट का पूरा फ्लाइट है, तो इतना देर में अगर ठंड लग गया तो फिर तो हालत ख़राब हो जाएगा। और पता नहीं अंदर का सिस्टम क्या है, नहीं है, फर्स्ट टाइम है हमारा, तो चलो फर्स्ट टाइम फ्लाइट का भी एक्सपीरियंस करेंगे। और ऐसे हम बहुत पतला हो गए हैं नहीं खा खा के, और पहाड़ चढ़ के 2 दिन तो चढ़ाई उतराई में मेरा सच्ची में बहुत बॉडी कम चुका है। कैसा लग रहा है बताने, देखो लूज़ लूज़ हो जा रहा है, बहुत लूज़ हो रहा है। चलो खाली सिर्फ थोड़ा सा टमी मेरा हल्का सा दिख रहा है, जो कि हम उसको जाने के बाद कमा लेंगे। फाइनली बॉडी बहुत गल चुका मेरा लग रहा है 2 दिन में, इतना चढ़े हैं ना पहाड़, पूरा चढ़ के उतरे, चलते हुए उतरे, तो मेरा वेट बहुत लूज हो गया इसी में। मेरा फास्ट लूज लूज हो जाता है, अगर हम प्रॉपर ध्यान देते हैं ना तो मेरा बहुत जल्दी लूज हो जाता है, अगर हम छोड़ देते हैं तो मेरा फिर हो भी जाता है, बस टमी फैट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। चलो हमारा भूख लगा है, तो जाने के बाद थोड़ा सा टमी एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे, तो फिर मेरा पेट सेट हो जाएगा हल्का सा है। वैसे बिना खाए हुए तो और पतला दिखते हैं, और खा लेते हैं तो थोड़ा सा मोटा दिखते हैं, बैग नहीं रहे। चलो तो चलो आने के बाद फिर बैग को भी सेट करना है वापस से, क्योंकि वजन का मामला है, तो वजन डिवाइड करना है हम लोग को बैठ बैठ के। तो चलो दिखाएंगे आप लोग को आगे का क्या करना है। चलो बाबू नीचे वेट कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्या कर, क्या दिख रहा अंदर में, ये क्या है, ये क्या है,
क्या है बोलो? अरे मेरी माँ फ्रीज है। कैसा फ्रीज है? अच्छा। आज घर कैसे जाएंगे हम लोग? हाँ क्या चीज से घर जाएंगे आज हम लोग? ऑटो से। दिल्ली से घर? दिल्ली से ऑटो से घर? एक ऑटो भाड़ा पे लेंगे और दिल्ली से बोलेंगे चल घर में। अच्छा, आज हम लोग घर कैसे जाने वाले? आपको नहीं पता है? चल क्या बोले थे, उड़ के जाएंगे क्या चीज से? आज तो शाम को और पगलाने वाली है। आज शाम को और तो देख के पगलाया गया। हम लोग आज फ्लाइट से जाने वाले हैं। क्या चीज से जाने वाले हैं? हम लोग क्या चीज से जाने वाले हैं? बोलो बोलो, हम लोग क्या चीज से जाने वाले आज घर? एरोप्लेन से। हम लोग एरोप्लेन से घर जाने वाले। एरोप्लेन तो घर के पास क्यों जाएगा? हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट उतरेंगे, फिर टैक्सी पकड़ेंगे। देखो कितना स्लिम हो गए पहाड़ चढ़ के। वाह मम्मा, बहुत पतले हो गए ना? मेरा पूरा पेट गायब हो चुका है। नहीं है मेरा पेट, तुमका तो बस थोड़ा थोड़ा सा है। और हम लोग रेडी है, बस निकलेंगे रूम से। मुझे इसके लिए दुपट्टा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम जैकेट ले लेंगे, क्योंकि बैग भी मेरा हल्का हो जाएगा। इतना वक्त ही है ना, चुप। अभी फोन तो गिरता ना तो कूट आती तुम अच्छे से। बात नहीं करेंगे। नहीं चलो हम लोग अब यहाँ से बैक टू। ओ बहुत कुछ तैयारी करना है होली का। वैसे अच्छा लग रहा है मेरा फिगर, हमको बहुत खुद में खुशी मिल रहा है। दोबारा आएंगे पहाड़ चढ़ने। एक्सरसाइज तो होता नहीं है, पहाड़ चढ़ने आएंगे। पहाड़ चढ़ेंगे और फिगर कमा के जाएंगे। वैष्णो माँ का आशीर्वाद है। चलो मम्मा देखो, मम्मा देखो, जाओ पीछे जाओ। मुझे चले आइए, आपको अगर भाभी का सामान है कुछ मेरे पास। पापा मेरा मोर पैदा दिन है। पैर ना तो करा एक पर कल थोड़ा मेरे को याद दिलाना मैं जाऊंगा। और अभी तो लाउंज कैसे जाऊं?
वो कहाँ कहाँ जाती है? मतलब कोट कोट का चर्चा वाला पगला गई है। अरे मामा क्या कर रही हो? क्या था? बस 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 पूरा फुल पगला गई है, फुल पगला गई है। पागल हो गई। विंडो के सामने आप नहीं बैठोगे मामा, आप मिडिल में आओ। आप इधर बैठो। सीट बेल्ट लगा दे। सीट बेल्ट लगाने से नहीं होगा, आपका सीट इधर है। बेल्ट लगा के बैठी है। बैठो भी आप इधर, मजाक नहीं है। पगला गई है। अरे मामा मामा क्या कर रही हो? क्या था? बस 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 फुल पगला गई है, फुल पगला गई है। पागल हो गई। विंडो के सामने आप नहीं बैठोगे मामा, आप मिडिल में आओ। आप इधर बैठो। सीट बेल्ट लगा दे। सीट बेल्ट लगाने से नहीं होगा, आपका सीट इधर है। बेल्ट लगा के बैठी है। इधर बैठो भी आप इधर, मजाक नहीं है। सृष्टि सिंह फर्स्ट ऑफिसर प्रियंका गांधी रश्मि रागिनी कोयल एंड आई कम हियर लीड कैबिन क्रू वी स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एंड सम ऑफ अस स्पीक नेपाली एंड बांग्ला वी आर फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट होम मेकर ग्लोब टोटर्स एंड बॉन्ड लीडर्स Metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end to open, lift the buckle. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate the oxygen. कोलकाता बहुत ही खुशी मिल रहा है, शांति मिल रहा है। बाप रे बाप, अपने घर आ गए फाइनली। घर के लिए गाड़ी बैक टू होम आफ्टर ट्रिप, बहुत सुकून मिल रहा है।
हमारा खाली मुंह बना ले रही है बार बार विंडो पे बैठने के लिए। ऐसा होता है क्या? इतना क्यूट होते जा रही है, कोई उठा के ले गया तुम क्या करेंगे? चलो रात का 12:30 बज रहा, अपना घर तो जा रहे हैं, यही सुकून है। घूम लिए इसके अंदर पक गए। नहीं मम्मी हमको और घूमना है। तुम्हें तो घूमना ही है, क्यों बोलो तो? क्यों? पढ़ाई लिखाई करना नहीं पता। हाँ ना पढ़ना पड़ रहा है, ना खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, एक दो बार खा रही है बस घूम रही है ना। हाँ, पानी पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ सारा दिन जो भी घर में खिलाते थे वहाँ पी तो घूमने के चक्कर में खड़ा नहीं हो रहा है। तुम्हारा सबके पागल हो गई है। चले जाते घर। हम लोग आ गए घर, अभी वेट कर रहे चाबी का, क्योंकि आज ही हम लोग का ताला तोड़ना पड़ा था दिन में, और लगा है दूसरा ताला जो कि चाबी है भाई के पास, और भाई अभी आ रहा है। रात का बज रहा ढेर, क्योंकि सो चुका था, ताला तोड़ना पड़ा था क्योंकि अमायरा का चाहिए था फोटो आईडी फ्लाइट के लिए, फ़ोटो आईडी चाहिए था, इसीलिए ताला तोड़कर उसका आई कार्ड का फ़ोटो लिए, तो फिर अमायरा फ्लाइट से आई, उसके चक्कर में दूसरा ताला लगा तो चाबी उसी के पास। हमारा चाबी का ताला टूट चुका है तो हम लोग वेट कर रहे थे ना। अभी वो आ रहा बाहर, हो रहा बारिश, बहुत बारिश हो रहा, भूख लगा।